नमस्कार, पीएमसी हिंदी दर्शकों को स्वागत है, सुस्वागत है महाभारत से सीख में। फ्रेंड्स, आज हम जानकारी करेंगे भारत के बारे में। आज भारत देश का नाम इतना अच्छा नाम कैसे आया? क्योंकि यह है भरत राजा के वजह से। भरत राजा ने भारत देश को इतना अच्छा पालन किया है, इसी की वजह से उनको याद करते हुए हम इंडिया को भारत देश का नाम से हम कहा जाते हैं। भारत देश शब्द में ही एक एनर्जी होती है कि नहीं? आप कभी फील किया है कि नहीं? इसीलिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी यही डिसीजन किया है कि इंडिया को अभी हम भारत कहेंगे। फिर ये भारत नाम कैसे आया? ये भरत राजा से आया है। ये भरत राजा ने अखंड भारत को इतना अच्छा पालन दिया है कि हम सब लोग उनको याद करते हैं। फ्रेंड्स, आज अच्छी तरीके से हम भारत का स्टोरी जानकारी करेंगे। इस स्टोरी में हम मोक्ष के बारे में भी अच्छा जानकारी करेंगे, एक एलाइनमेंट के बारे में जानकारी करेंगे। भारत कहेंगे तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि राम लक्ष्मण भरत, ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो भरत नहीं है मास्टर। यह जो भरत राजा है, ये है शकुंतला और दुष्यंत महाराज का बेटा है। जब दुष्यंत महाराज एक बार जंगल में आते हैं, उसके बाद उस समय शकुंतला को देख के मोह परवश में उनको शादी करते हैं। उसी की वजह से बच्चा पैदा होते हैं, लेकिन दुष्यंत राजा वापस चले जाते हैं। शकुंतला उनके पास पहुंचती है बेटे को लेके, लेकिन वो कभी पहचानते नहीं उनको। बचपन में भरत को अपना पिताजी का प्यार नहीं मिला था। हमेशा याद रखिए कि बच्चे को हमेशा पिताजी और माताजी दोनों का प्यार मिलना चाहिए। ये पहले दुष्यंत राज ने शकुंतला को और उनका बेटे को, भरत को पहचानते नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अंगूठा को देखा तब वो पहचान लेते हैं। बाद में जब दुष्यंत राजा का शरीर छोड़ने के बाद भरत अच्छा राजा बन जाते हैं और राज्य को विस्तार करते हैं, पूरा भारत देश को और पूरा अखंड भारत देश को तरफ विस्तार करते हैं, इतना अच्छा देखभाल करते हैं, लोग उनको बहुत तारीफ करते हैं। राजा मतलब कैसे होना चाहिए? एक भरत के जैसा होना चाहिए, ऐसा लोगों ने समझ के बैठे। जब उन्होंने अच्छी तरह का धर्म के हिसाब से पालना किया है, उसके बाद उनका रिटायरमेंट का समय आए हैं, तब उन्होंने ये सोचा था कि इस राज्य को मैं और मेरा पुत्र को देना चाहिए, कौन सा बेटे को देना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। जब उन्होंने वेदव्यास जी को खबर पहुंचा देते, तो व्यास महर्षि आके उनको कहते हैं कि जो दुनिया को जो जीता हुआ राजा अपने मन को कभी जीत नहीं पाया। राजा, आप कैसे कह सकते हैं कि आपको जो बेटा है, आपका पास जो क्वालिटी है वही क्वालिटी उसके पास रहेगा, आप बोल सकते हैं क्या? जनरल हम सब लोगों का आदत हो गया कि एक वारसत्व है। माता पिता अगर पॉलिटिक्स में है तो बच्चे भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, माता पिता डॉक्टर है तो बच्चे भी आना चाहिए, राजा भी एक ही खानदान में आना चाहिए, ऐसा बना के रखे थे। इसी की वजह से भरत ने भी सोचा था कि अपना बेटे को देने के लिए, लेकिन ऐसा वेदव्यास जी ने उनको याद दिलाता कि आपने पूरा दुनिया को जीते हैं लेकिन अपने मन को जीत नहीं पाया है, आप कैसे आपका बेटे को लायक समझ सकते हैं? आपका बेटे को क्यों देना चाहिए आपको राजा के रूप में? तब भरत ने अच्छा सोच लेते हैं कि यस, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या करते हैं कि पूरा राज्य में सबको ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम राजा छोड़ना चाहते हैं, हम कुछ टेस्ट करेंगे, इस टेस्ट में जो पास करेंगे उन्हीं को राजा बनाएंगे। उस टेस्ट में भरत राजा का बेटा भी है और जो क्वालिफाइड जो जवान लड़के हैं पूरा इस भारत देश में, उन सबको बुलाते हैं। उसके बाद एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट हमेशा वो लोग कंडक्ट करते हैं, पहले सेमीफाइनल, लास्ट में फाइनल।
आखिरी में उनको वो लोग ने चुनते हैं एक व्यक्ति को, वो उनका बेटा नहीं है लेकिन जो राजा के रूप में योद्धा भी है और धर्म भी जानते हैं, उस तरह के व्यक्ति को चुन लेते हैं भारत रे। फिर उन्हीं को वो राज्य को सौंप लेते हैं, उसका नाम है भूमन्यु। भूमन्यु को अपना भारत देश का राजा बना के उनको सौंप के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के फिर उन्होंने जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। अभी मुझको राजा नहीं बनना है, अभी मुझको सत्य क्या है जानना चाहिए, मैं अभी ध्यान करना चाहिए। ऐसा उन्होंने भरत राजा ने अपना राज्य को अपने बेटे को नहीं दिया, जो अच्छा क्वालिफाइड है ये भूमन्यु है उसको दे के फिर वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते, अपने पति को भी अपने बच्चे को सब कुछ छोड़ के चले जाते। देखा कितना डिटैचमेंट है उनको, कितना महान राजा है उनको, कोई भी चीज़ अपने साथ में लेके नहीं गया। वो जानते हैं कि कोई भी चीज़ साथ में नहीं आने वाला है, सिर्फ सती हमारे साथ आने वाला है। ये जानते हुए उन्होंने जो करना है राजा के रूप में किया है, अच्छा देखभाल किया है और क्वालिफाइड पर्सन को राजा बनाया है। उसके बाद जंगल में चला गया, उसके बाद तपस्या करने लगा। लेकिन अभी स्टोरी ट्विस्टिंग अभी है। अभी क्या ट्विस्ट है कि जंगल में गया, अच्छा तपस्या करने लगा। एक दिन उन्होंने नहा रहे थे, जब वो नहाने के समय में एक हिरण है, हिरण ने एक बच्चा दिया है, वो बच्चा है वो पानी में, बच्चे देने के बाद वो पानी में तैर के जा रही थी। तब उन्होंने उनका हाथ में वो हिरण का बच्चा सामने आया, फिर उसको रक्षा करने वाला कोई नहीं था, उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फिर भरत ने क्या किया कि वो छोटे हिरण का बच्चे को लेकर अपने पास लेके आके उसको देखभाल करना शुरू किया। वो देखते 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 क्या हो गया कि उनका जो अटैचमेंट है वो उनके साथ बंधन हो गया, वो हिरण का। ध्यान में बैठते थे, हिरण इधर उधर घूमती थी, फिर आंखें खोल के देखते कि हिरण कहाँ चला गया। फिर ध्यान में बैठते थे, अगर हिरण को भूख तो नहीं लगा क्या, उसके लिए क्या खाना दे दूँ, ऐसे समझते हुए उसको खाना खिलाने के लिए आंखें खोलते थे। इस तरह उनका जीवन में हर एक चीज़ क्या है कि वो हिरण बन गई है। फिर एक दिन तो मृत्यु हुआ है, मृत्यु तो आना ही है। जब मृत्यु होने के बाद जब ऊपर लोकों में गया है, जब ऊपर लोगों का मास्टर्स ने देखा है, इनका पूरा रिकॉर्ड्स को देखा, उनका पूरा बॉडी को स्कैनिंग किया। जब हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हमको क्या करते हैं, पहले स्कैनिंग करते हैं। ऐसा ही क्या होगा कि जिस समय शरीर छोड़कर हम ऊपर लोगों में जाते हैं, हमारा पूरा लाइफ टाइम को लोग स्कैनिंग करते हैं। जब स्कैनिंग किया तो सब कुछ अच्छा आ रहा था, अरे वाह कितना अच्छा है, क्या ऊपर चढ़ा नीचे नहीं है, कितना अच्छा राजा है, आप कोई अटैचमेंट नहीं है, आप डिटैचमेंट में हैं, सब कुछ छोड़ दिया, अरे वाह सब कुछ अब पास हो गया, पास सभी पास 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 आ गया। लास्ट में टू ई साउंड आ रहा स्कैनिंग मशीन से। वो क्या है, क्या साउंड आ रहा है, क्या है कि अरे राजा जी आपको 99 मार्क्स आ गया, एक मार्क में फेल हो गया। वो क्या है कि आपने वो हिरण के साथ अटैचमेंट में रहे। अभी आप क्या करेंगे, आपको अभी मोक्ष नहीं दे सकते, अभी आपको एक मार्क नहीं रहा, अभी क्या करेंगे। फिर उस समय फिर भरत क्या करते हैं कि हाँ मेरा साथ अटैचमेंट है तो मैं नेक्स्ट लाइफ टाइम में मैं भी एक हिरण का जन्म ले लूँगा। जनरली याद रखें फ्रेंड्स, एक बार मनुष्य का जन्म आने के बाद हम फिर वापस जानवर के जन्म में नहीं जाते हैं, लेकिन ये केस में ये एक्स्ट्रॉर्डनरी केस है क्योंकि ये भरत ने चुने थे। भरत को इस केस के अंदर अटैचमेंट है, इसी की वजह से उन्होंने वो हिरण का जन्म चुने थे। फिर उन्होंने हिरण के रूप में जन्म लिया है, हिरणों के साथ रहे हैं, वो जो उनके अंदर जो अटैचमेंट हिरण के साथ है उसको पूरी तरीके से उन्होंने अच्छा निभाया है, वो लाइफ को अच्छी तरह उसका जो डिजायर्स है पूरी तरीके से फुलफिल किया। फिर वापस फिर आ गए ऊपर लोगों में, फिर मास्टर्स ने कहा है कि यस अभी आपने हिरण का जीवन को जी के आया है, वो अटैचमेंट से बाहर आया, लेकिन इसको आप प्रूव करो, प्रैक्टिकल देना पड़ेगा।
आप कभी भी तपस्या करके ऊपर जाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि मास्टर इसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि आप सत्य में हैं। सिर्फ थ्योरी नॉलेज नहीं है, ध्यान करेंगे तो थ्योरी है, लेकिन आपको जो फिजिकल लाइफ है ये प्रैक्टिकल है। फिजिकल लाइफ में आपको आपको जो सत्य है वो सत्य के साथ में है कि नहीं, धर्म के साथ में है कि नहीं है, ये सभी आपको प्रूव करना पड़ेगा। तब भरत ने फिर जन्म लेते हैं, इस बार वो जन्म लेते हैं अंगिरस ऋषि के नाम से, अंगिरस महामुनि के नाम से। ऐसे घर में पैदा होते हैं कि जिस घर में पूरे तरीके से अपोजिशन है, जो कोई प्यार करने वाला नहीं है, जो सब लोग तंग करने वाला है, लेकिन इस जन्म जब लिया था उनके अंदर अवेयरनेस है कि मैं इस जन्म को आखिरी जन्म करना है, कहीं भी जगह पे मुझको फंसना नहीं है, कहीं भी जगह पे मुझको बंधन के साथ नहीं रहना है। इसलिए कोई भी काम करते देते थे लोग, वो काम ठीक से नहीं करते थे, उस काम को खराब करते थे, इसी की वजह से उनका भाई है वो सब लोग क्या है कि इसको कोई काम नहीं देते थे। बचपन में माँ बाप थे, वो लोग अच्छा देखभाल किया, लेकिन एक दिन वो लोग भी शरीर छोड़े, उसके बाद जो भाई है उनका बहन है वो लोग उनको बहुत काम देते थे, ये काम करके वो ये काम करके, ये ठीक से काम करते नहीं है, इसी की वजह से ठीक से खाना भी नहीं देते। एक दिन उनको वो लोगों ने इनसे घर पे भगा दिया, घर से बाहर कर दिया, फिर भी वो चुपचाप रहे, साक्षी के रूप में रहे। ऐसा उन्होंने एक बार घर से बाहर आने के बाद ऐसा रोड पे घूम रहा था, तब उधर का जो चार लोग देखा इसको, उन लोगों को लगा था कि ये लड़का है थोड़ा पागल जैसा लड़का लग रहा है, इसको जाके हम काली माता को वध करेंगे, काली माता को बलि चढ़ाएंगे, काली माता को बलि चढ़ाएंगे तो क्या होते हैं कि हमको धन मिलेगा, इस तरह का अंधविश्वास थे उस समय। अभी भी सोसाइटी कुछ अंधविश्वास है तो उस समय कितना होगा। इसको अगर बलि को चढ़ाएंगे तो हमको लड़का पैदा होंगे, उस अंधविश्वास में थे वो लोग। वो चार लोगों ने अंगिरस ऋषि को लेके गया है, जब उसको पकड़ लिया, अंगिरस ने कभी रेसिस्टेंस नहीं किया, उसे भागने की कोशिश नहीं किया। उन्होंने ऐसा स्थिति में है कि सब कुछ भगवान है, उस स्थिति में है वो, जो पकड़े हैं चार लड़के वो भी भगवान के रूप में देख रहे हैं, ये पूरा सृष्टि को भगवान के रूप में देखना शुरू किया उन्होंने। जब उसको अंगिरस ऋषि को चार लोगों ने पकड़ के लेके गया काली माता के सामने, वो बहुत खुश हो गया काली माता को देख के, चुपचाप रहे। फिर चार लोगों ने फिर चाकू निकाला उसको सर को काटने के लिए, वो देख के भी बहुत खुश हो गया, वो चाकू भी उसको भगवान के जैसे दिखाई दे रहा है। सर को नीचे रखने के लिए बोले तो उसको भी नीचे रख के खुशी के साथ, वो चार व्यक्ति हैरान हो रहा था इसको देख के, ये किस तरह का लड़का है। हाँ, इस तरह के लड़के को हम बलि देंगे ना तो कोई भी पॉइंट आउट नहीं करेगा, इसको ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आएगा, हमको सही लड़का मिला, ऐसा वो लोग खुश हो रहा था। जब वो लोग सर को काटने का समय हो गया था, उस समय काली माता प्रत्यक्ष हो गया, काली माता प्रत्यक्ष होके अपना तलवार के साथ चार जो लोग है ना वो चार लोगों का सर को काट दिया। जब काली माता प्रत्यक्ष होकर चार लोगों को काट रहा था, उस समय में भी ये खुशी था, ये परमानंद में था वो। फिर उसके बाद अंगिरस ऋषि ने फिर वापस आते हैं, जंगल में जाते हैं, फिर खुशी होकर जा रहा था। उस समय उस देश का जो राजा है वो पालकी में जा रहा था, वो कपिल महर्षि से मोक्ष का राज सीखने के लिए जा रहा था। जब मोक्ष चाहिए कैसे जाना चाहिए, किसी ऋषि के पास पालकी में जाना चाहिए क्या, लेकिन ये राजा के रूप में जा रहा है। वो पालकी को चार जो लड़के हैं, चार लड़के उसको पकड़ के रखे, वो जा रहे थे, लेकिन उसमें से जो एक लड़के ने जो पकड़ के रखा उसको थोड़ा तो बीमार पड़ गया, वो नीचे गिर गया। राजा ने उसको बहुत डांटा उठने के लिए, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था,
क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। अभी उसको चलने के लिए और एक लड़का चाहिए। तब देखा गया कि ये अंगिरस ऋषि उसी समय हंसते हुए, खेलते हुए, गाना गाते हुए आ रहा था। तो सब लोग उसको पकड़ के लेके आए, अमर राजा का पालकी को लेके आ सकते हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ चलो। फिर उन्होंने वो भी पलकी को पकड़ा। जब पलकी को पकड़ा उस समय भी गाना गाते हुए चल रहा था, लेकिन ये जो अंगिरस ऋषि है ये बहुत लंबा है, बाकी जो लड़के हैं छोटा है। इसकी वजह से जो राजा पलकी में बैठा था उसको जो सिर है वो टकरा रही थी ऊपर। तो राजा ने फिर रोके पलकी को, इसको डांटे, तुम ऐसे गाना नहीं गाना, चुपचाप रहो, चुपचाप चलते रहो, बोला। फिर भी इस अंगिरस ऋषि ने नहीं किया, उन्होंने फिर वो गाना गाते हुए जा रहा था। राजा को फिर ऊपर सर को ऊपर टकरा रही थी वो पलकी। उसके बाद राजा गुस्सा आया, उनके पास एक डंडा है, उससे डंडा से मारा अंगिरस को, लेकिन अंगिरस ने रिएक्ट नहीं किया। तब राजा आश्चर्य हो गया, हम मैं डंडा से तुमको मारा हूं फिर भी तुम गाना गा रहे हो? जब ऐसा पूछा है तो तब अंग्रेज ने बोला है कि आत्मा ही समझते है समझते हुए जो रहने वाले को, जो शरीर का दर्द कहां पहुंचेगा, मैं अलग हूं शरीर अलग है समझ के जाने वाले के लिए दुख कहां होगा, ऐसा डायलॉग मारा। वो डायलॉग मारते ही राजा का आंख खुल गया, ये कौन है ऐसा बातें कर रहे हैं, मैं तो कपिल महर्षि के पास जा रहा था मैं मोक्ष कम जाने के लिए, लेकिन मेरा सामने ही एक ऋषि मिल गया। फिर तुरंत उन्होंने पालकी को रोक दिया, स्वामी जी अब बताइए आप क्या बता रहे। फिर अंगिरस ऋषि कहते हैं कि मैं कभी समझ को आया है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं हमेशा आत्मस्थिति में रहने वाला हूं, जो शरीर का दर्द है, शरीर का दुख है, मुझको टच नहीं करते हैं। कहा तब राजा ने कहा है कि स्वामी जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, शरीर तो दिखाई दे रहा है ना, ये शरीर अशाश्वत है कैसे कह रहे हैं आप, आत्मा ही शाश्वत है कैसे कह रहे हैं? तब अंग्रेज ने कहा है कि शरीर तक ही आप सीमित रहेंगे तो जो शाश्वत रहा हुआ आत्मा को कभी भी आप जान नहीं सकते हैं, ऐसा कहते। तब वो राजा के अंदर बहुत ज्ञान उदय हुआ, मैं जिसको ढूंढने के लिए जा रहा था मोक्ष के बारे में वही ये सामने व्यक्ति मुझको दे रहे, अरे वह बहुत खुश हो जाते। फ्रेंड्स, चार तरह का फिलॉसफी है अपना ये धरती में। एक है जगत विद्या, ब्रह्म विद्या। जगत विद्या मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ये सब कुछ ब्रह्म है, और जो ब्रह्मा जो बोल रहे हैं ना वो भी ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है चार्वाक ऋषि ने। एक चार्वाक ऋषि था, उन्हीं की वजह से जितना भी नास्तिक लोग हैं ना ये सब नास्तिक लोगों के लिए गुरु कौन है, एक चार्वाक ऋषि है, वो भी ऋषि है, क्योंकि जितना भी लोग है ना वो सब लोग एक ध्यान करके ऊपर लोगों के बारे में, पिछले जन्म के बारे में जान रहे हैं, लेकिन इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, इस लाइफ में सही से धर्म को नहीं भी नहीं निभा रहे, इसलिए चार्वाक ने बोला है कि सब कुछ झूठ है, सब कुछ भ्रम है, ना ये दुनिया है ना ऊपर है, सब कुछ विद्या है, बोला उन्होंने। बाद में आदिशंकराचार्य जी आया, उन्होंने बोला है कि अरे पागल ये जो दुनिया का जीवन है ना ये पल भर का है, लेकिन असली सत्य है ब्रह्म ही असली सत्य है, जगत विद्या ब्रह्म सत्य, बोला ये है आदिशंकराचार्य जी। और एक फिलॉसफी है गौतम बुद्धा का, गौतम बुद्धा ने बोला है कि जगत शून्यम ब्रह्म शून्यम, सब कुछ शून्य है, बोला उन्होंने, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया बुद्धा ने क्या कहा, क्या शून्य बोल रहे हैं, ऊपर के लोग भी शून्य है, ये धरती भी शून्य है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया बुद्धा का बात है। अभी हमारे ब्रह्मर्षि पत्री जी आया, पत्री जी क्या कह रहे हैं कि जगत सत्यम और ब्रह्म सत्यम,
जो दुनिया दिखाई दे रहे ना हमको आंखों के सामने, ये सत्य है ना, तो सत्य के साथ रहो ना। आंखें बंद करेंगे तो ऊपर लोग भी दिखाई देंगे, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है। अब इस सत्य के साथ आगे बढ़ो। जब इस तरह के सत्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, तब जो गौतम बुद्ध बताया जगत शून्यम ब्रह्म शून्यम जो कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आने की स्थिति आएगी। इस तरह का चार फिलॉसफी है ये बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में हम क्या जान सकते हैं कि भरत ने सब कुछ पास हो गया, लेकिन एक हिरण के साथ जो अटैचमेंट की वजह से उन्होंने और एक जन्म लेना पड़ा हिरण का। उसके बाद उसको प्रूव करने के लिए, उसको टेस्ट को पास करने के लिए और एक जन्म लेना पड़ा अंगिरस के रूप में। इस अंगिरस के रूप में उन्होंने हमेशा अवेयरनेस के साथ रहते हुए, कहीं भी बंधन में नहीं फंसते हुए, हर एक टेस्ट पास हो गया। हम भी हमारे जन्म जीवन में कहाँ कहाँ बंधन में हैं, किसी को बच्चे पर बंधन होगा, किसी को पति पर, किसी को पत्नी पर, किसी के घर पे, किसी के कार पे, कोई ना कोई चीज़ में हम फंसे रहते हैं, बंधन में रहते हैं। जब तक बंधन में है तब को हमको मोक्ष नहीं है। कोई भी हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, ना पति हमारा प्रॉपर्टी है, ना बच्चे प्रॉपर्टी है, ना माता पिता हमारा प्रॉपर्टी है, कोई भी हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। ये धरती में माया है एक नाटक करने के लिए, एक रोल प्ले करने के लिए। इसी रूप में हम साक्षी के रूप में ये जीवन को जीना चाहिए, उसी समय हमको मोक्ष है। मोक्ष माने और क्या है, दुख रहित स्थिति है, जीवन मुक्त स्थिति है। तो भरत ने इस चीज को पूरा तरीके से पाया है। तो जो लोग ध्यान करते हैं उनका लाइफ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे टेस्ट आएंगे। वो क्यों टेस्ट आएंगे, ताकि हम ध्यान को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, ध्यान से ज्ञान आया है कि नहीं, कहीं जीवन में हम बंधन के साथ है कि नहीं है। यह है फ्रेंड्स भारत का स्टोरी, हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है स्टोरी। तो देखते रहिए सब लोग महाभारत से सीख कर। ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। पीएमसी हिंदी।